वीडियो के स्टार्टिंग में ही बहुत इंपॉर्टेंट बात सुन लो दोस्तों, ये जो आपका एक्टिवा 125 सीसी खड़ा हुआ है और ये होंडा एक्टिवा 110 सीसी खड़ा हुआ है, तो दोस्तों जान लो ये जो एक्टिवा 125 सीसी है वो आपका कम हाइट पर्सन जो होते हैं, जो कम हाइट वाले लोग होते हैं उनके लिए बेहतर रहता है, क्योंकि इसकी सीट हाइट जो हो जाती है वो सिर्फ और सिर्फ 712 mm की हो जाती है और उसकी सीट हाइट आपकी 765 mm की देखने को मिलती है। तो जब सीट हाइट में फर्क है तो इसका मतलब तो जाहिर सी बात है ये वाला स्कूटर जो है कम हाइट के लोगों के लिए बना हुआ है। अब जान लो वीडियो किसके बारे में होने वाली है, तो दोस्तों इनके प्राइस की इसके कंपैरिजन के बारे में होने वाली है। तो ये मेरे सामने होंडा एक्टिवा 125 बेस वेरिएंट खड़ा हुआ है और ये होंडा एक्टिवा 110 सीसी का ये भी बेस वेरिएंट खड़ा हुआ है, तो दोनों में कितना फर्क देखने को मिल जाता है प्राइस रेंज में वो बता दूँ। तो सबसे पहले तो जान लो ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये अलीगढ़ से मैं बात कर रहा हूँ, RS होंडा मैरिस रोड अलीगढ़ की ये शोरूम है। तो होंडा का कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से आप खरीद सकते हो, तो वीडियो को लाइक कर दो। इसका जो आपका होंडा एक्टिवा बेस वेरिएंट 125 सीसी का बेस वेरिएंट का ऑन रोड जो प्राइस है वो हो जाता है आपका 99,050 रुपये। हाँ दोस्तों, इसका जो अब 2024 में प्राइस है 99,050 रुपये है, विदाउट एक्सेसरीज बात कर रहा हूँ। तो ये साइड बिटिंग अगर आपको नहीं मिलेगी उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा, उसमें मतलब 99,050 में आपको इंश्योरेंस RTO वगैरह का खर्चा और आपका पूरी गाड़ी जो भी टैक्सेस वगैरह होते हैं वो सब मैं जोड़कर बता रहा हूँ, बस इसमें आपको एक्सेसरीज इंक्लूड नहीं है इस प्राइस रेंज में। अब इसका प्राइस जान लो इस वेज वेरियंट का एक्टिवा 110 सीसी का, इसका हो जाता है 94,160 रुपये। अब देखो फर्क क्या देखने को मिलता है, पहले तो फर्क जान लो ये बेस क्यों क्यों है। तो बेस में इन लोगों ने पहले जो इसका बेस वेरिएंट में क्या क्या आता है, इसमें इन लोगों ने हैलोजन लाइट दे दी, जो इसके टॉप वेरिएंट है उसमें आपका आ जाता है आपका क्या LED लाइट आ जाती है और इसमें भी LED हेडलाइट देखने को मिलती है, ये फर्क देखने को मिल जाता है। अब एक्टिवा 125 सीसी में मीटर कंसोल में फर्क देखने को मिल जाता है, इस जगह पे इन लोगों ने डिजिटल मीटर दे दिया है बस एक्टिवा 125 वालों ने, और ये तो बिल्कुल सेम वैसा एज इट इज़ है, बिल्कुल जैसा है, बस इन लोगों ने इसमें हेडलाइट का फ़र्क देखने को मतलब मिलता है कि हेडलाइट जो इसका टॉप वेरिएंट है उसमें LED आ जाती है और इसमें हैलोजन है, बस ये फ़र्क देखने को मिलता है। अब एक्टिवा 125 जो सीसी स्कूटर खड़ा हुआ है ये मेरे सामने वाइट कलर खड़ा हुआ है और ये PS ब्लू कलर का लाता है, तो इनका फ़र्क जान लेते हैं क्या है। और दोनों में बताऊँ क्या 4,800 रुपये का फ़र्क देखने को मिलता है दोस्तों। अब क्या है देखो, हेडलाइट का बिल्कुल ही मतलब जो सामने वाला जो प्रोफाइल है बिल्कुल ही चेंज दे दिया है। एक्टिवा 125 में देखो अलग से ब्लैक कलर का वाइजर लगाया गया है, इसमें ही इसमें बॉडी के कलर में ही पूरा वाइजर दिया हुआ है, ये देख लो ये फ़र्क देखने को मिल जाता है। और क्या फ़र्क देखने को मिलता है, इसमें इंडिकेटर यहाँ पर दे दिए गए हैं और इसमें हैंडल में ही दे दिए गए हैं, है ना, ये चीज़ है। अब दोनों ही गाड़ियों में क्रोम का वर्क है, अब एक्टिवा 110 में क्रोम का वर्क कहाँ पर है, वो यहाँ पर दिया गया, ये देखो है ना। अब इसमें क्रोम का वर्क कहाँ पर है, यहाँ पर भी है, और जहाँ पर इसकी जो मतलब ब्रांडिंग है एक्टिवा 125 की, तो एक प्लेट लगाकर उस पर लिखा हुआ है 3D में एक्टिवा 125, और यहाँ पर इन लोगों ने कोई प्लेट वगैरह नहीं लगाई, सिर्फ एक्टिवा लिखा हुआ है, ये इस टाइप का पैटर्न देखने को मिलता है। टायर सेटअप की बात करूँ तो दोनों ही गाड़ियों में सेम टायर देखने को मिलते हैं, देखो 90x90 12 इंची, 90x90 12 इंची, तो और दोनों में ही ड्रम ब्रेक देखने को मिलते हैं, अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। पीछे का टायर भी दोनों ही गाड़ियों का सेम देखने को मिलता है, ये देख लो पीछे का टायर 90x100 और 90x100 और 10 इंची का व्हील साइज पीछे देखने को मिलता है दोनों ही गाड़ियों में, टायर का मोटाई चौड़ाई लंबाई सब सेम देखने को मिलता है, चाहे एक्टिवा 110 ले लो चाहे एक्टिवा 125 ले लो। आगे वाले का भी सेम देखने को मिलता है, सस्पेंशन भी इवन सेम ही देखने को मिलते हैं, देखो ये भी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, मोटाई चौड़ाई छूकर देख पा रहा हूँ, और ये भी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। दोनों ही गाड़ियों में आपको कॉम्बी ब्रेक सिस्टम देखने को मिलता है, ये देख लो ये होती है कॉम्बी ब्रेक की मतलब टेक्नोलॉजी। इसमें इसका मैं बता दूं देखो, तो ये होता है पीछे वाला ब्रेक और ये होता है आगे वाला ब्रेक, दोनों ही गाड़ियों को बता रहा हूँ। इधर की साइड जो पीछे वाला ब्रेक होता है ना, जब आप इसको दबाओगे ये देखना ये, तो देखो आगे वाला भी लगता है, ये लग रहा है आगे वाला, मेरा एक हाथ यही है ना पीछे वाले ब्रेक पे, ये देखो लग रहा है। तो इसका फर्क मैं बता दूं, जब आपका दोनों ब्रेक एक साथ लगेंगे ना, जब पीछे वाला दबाओगे तो पीछे वाला भी लगेगा और आगे वाला भी, इससे ना बैलेंसिंग गाड़ी की अच्छी बनी रहती है, मतलब स्किड वगैरह नहीं करेगी। दोनों ही गाड़ियों में सेम फंक्शन देखने को मिलते हैं, इंडिकेटर इसमें हैलोजन और इसमें भी हैलोजन देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर अलग से DRL देखने को मिलते हैं यहाँ पर एक्टिवा 125 में, पर इसमें कोई भी DRL देखने को नहीं मिलता है। ये विंग्स टाइप के मतलब अच्छा लगता है एक्टिवा 110 सीसी इस पैटर्न से, पहचान बना ली है ना। और ये पार्ट आपका फाइबर में है, ये मेटल आ गया, ये मेटल आ गया, ये मेटल आ गया, फाइबर मेटल मेटल
फाइबर फाइबर, तो मतलब कुल मिला के 70% तो मेटल है इसके अंदर, और इसके अंदर मेटल मेटल फाइबर फाइबर मेटल मेटल, ये फाइबर मेटल, दोनों ही गाड़ियों में लगभग ज़्यादातर मेटल का यूज़ हुआ है। तो एक्टिवा की सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगती है कि मतलब इनके जो पार्ट्स हैं वो मतलब मजबूती में बेमिसाल, और ज़्यादातर मेटल का ही यूज़ करते हैं ये लोग अपने पार्ट्स में। ये देख लो पैटर्न का जो है आगे वाला, ये काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, ये देख लो। और अब ग्रिपिंग की बात कर लेता हूँ, हैंडल बार्स दोनों में किस टाइप के देखने को मिलते हैं, तो मतलब मीटर कंसोल दोनों में बेस वेरिएंट में आपको एनालॉग में ही देखने को मिलता है, डिजिटल मीटर देखने को नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहले एक्टिवा 125 के मीटर कंसोल के बारे में जान लेते हैं। और चाबी देख लो, दोनों की चाबियाँ ही भी सेम है, एक्टिवा 125 और 110 की, चाहे चाबी ले लो। मीटर कंसोल में क्या क्या फंक्शन देखने को मिलते हैं ये देख लो आप। देखो आपकी 110 तक की स्पीड है, लेकिन टॉप स्पीड जो है वो 90 किलोमीटर तक आराम से भाग जाएगा। स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, फ्यूल का देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको देखो हाई बीम लो बीम का देखने को मिलता है, माल फंक्शन का, और इसमें ही इंडिकेटर का भी देखने को मिलता है। इंडिकेटर का ये है देखो, ये है ना, और बटन में देख लो ये देखो, इंजन पावर कट और सेल्फ भी इसी के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर आइडल स्विच का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, और इसमें देखो माइलेज वगैरह भी नहीं देख सकते, लेकिन इसका टॉप वेरिएंट में माइलेज वगैरह भी देख सकते हो। ईको का यहाँ पर लिख कर आता है, लेकिन इसके अंदर लिख कर नहीं आएगा, उसके टॉप वेरिएंट में आएगा। ये देखो पियानो ब्लैक कलर के फिनिशिंग से इनका, इसका पैटर्न देख लो, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। होंडा का, होंडा का लोगो देखने को मिल जाता है। ये आपका हाई बीम लो बीम, और इसी के अंदर पासिंग का स्विच अटैच किया गया, ये इंडिकेटर और ये हॉर्न आ जाता है। और देखो ये, देखो ये काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे, इसके ग्रिप और इसके ऊपर छोटे से बार हैंड, दोनों ही गाड़ियों में बार हैंड देखने को मिलते हैं, छोटे, एक बड़े बड़े लेवल के नहीं, छोटे लेवल के देखने को मिलते हैं, ये देख लो। और इधर वाले होंडा एक्टिवा 110 का मैं बताऊं पैटर्न क्या क्या देखने को मिलता है, इसमें तो आपको एनालॉग में ही देखने को मिलेगा, डिजिटल मीटर देखने को नहीं मिलता, चाहे टॉप वेरिएंट ले लो चाहे बेस वेरिएंट ले लो, है ना। 100 तक की स्पीड, लेकिन ये जो भाग जाएगी 80 तक तो आराम से भाग जानी चाहिए। इंडिकेटर, हाई बीम लो बीम, माल फंक्शन, और ये फ्यूल गेज देखने को मिल जाता है, है ना। ऑडोमीटर देखने को मिल जाता है। इकोनॉमी देखो, इकोनॉमी देखो इसमें भी शो हुई है, क्योंकि अलग से कोई भी लाइट दी नहीं गई है, आप 50 तक भगा लो तो इकोनॉमी कंडीशन कहलाएगी, ये भी 50 तक इकोनॉमी कंडीशन कहलाती है। और बटन सेम एज इट इज, जैसे इसमें देखने को मिलते हैं वैसे इसमें, इंजन किल, इंजन का किल वाला स्विच आ जाता है, और ये आ जाता है आपका स्टार्ट का बटन, सेल्फ, और ये हाई बीम लो बीम इंडिकेटर, हॉर्न, ये कुछ पैटर्न है। और ग्रिपिंग भी सेम ही देखने को मिलती है, देखो है सेम, ये देखो सेम है, ये देख लो। और जो इग्निशन का जो पैटर्न है दोनों ही गाड़ियों को देखते हैं, सेम देखने को मिलता है। फ्यूल और सीट इस बटन से खुलेगा, और यहाँ पर चाबी लगेगी। और एक खासियत और बताऊँ होंडा एक्टिवा की, जो इग्निशन की, इसमें डबल लॉक होता है, एक तो यहाँ से लगा लोगे चाबी डालकर, और एक निकालने के बाद ऐसे भी लग जाता है, ये देखो जो चाबी के पीछे से खुलता है, ये ऐसे खुल के डबल लॉक का सिस्टम दिए रखा है एक्टिवा, दोनों ही गाड़ियों में सेम दिया हुआ है। अब खोल के दिखाता हूँ इसका फ्यूल वाला कैप और सीट वाला, ये मैंने फ्यूल का खोल दिया, सीट इधर का भी खोल के दिखा देता हूँ, फ्यूल और सीट का दोनों का खोल के दिखाता हूँ आपको। फ्यूल और सीट खुल गई, देखो ये दोनों के बूट स्पेस है, खोल दूँ, ये 18 लीटर के बूट स्पेस देखने को मिलते हैं दोनों ही गाड़ियों में। कोई लाइट नहीं देखने को मिलती है, इस टाइप का सिंपल हाफ फेस हेलमेट, थोड़ा बहुत सामान वगैरह इसमें आ जाएगा। और एक्टिवा वालों को ना यार बूट स्पेस थोड़ा बढ़ा कर दे देना चाहिए, है ना, क्योंकि आजकल मतलब सामान के लिए भी लोग भाग लेते हैं, इसमें भी 18 लीटर का देखने को मिलता है। बूट स्पेस दोनों ही गाड़ियों का सेम है। ये आ जाता है पीछे आपका E20 OBD2 BS6 की गाड़ी है, देखो दोनों ही E20 में है। और जो तेल पड़ेगा 5.3 लीटर पड़ेगा, पेट्रोल पड़ेगा, और फ्लैक्स ऑयल भी इसके अंदर, उसके लिए भी ये गाड़ियाँ मतलब बनाई गई हैं फ्लैक्स ऑयल के लिए। पीछे का बैकग्राउंड जो, सॉरी बैक प्रोफाइल जो है ऐसे होगा, देखो ये मतलब इन, इसका फ्यूल लीड पीछे देने का मतलब ये है कि आप ना स्कूटर पे बैठ के ही पेट्रोल पंप वाले से कह सकते हो भैया 100 रुपये का तेल डाल दो, तो आप वहाँ से खोल दोगे ये खुल जाएगा, वो डाल कर फिर वहीं से वहीं बंद कर देगा, ये फ़ायदा हो जाता है इसका मतलब इस वाले पैटर्न का। पीछे का बैक प्रोफाइल ये देख लो, हैलोजन में ही मिलेगा सबको, बल्ब हैलोजन बल्ब में, हैलोजन में इसके इंडिकेटर, हैलोजन में बैक लाइट, और एक्टिवा का पैटर्न इस टाइप का, और ये देखो ये इस टाइप का मिल जाता है, इसमें भी हैलोजन और इसमें भी हैलोजन के इंडिकेटर, ये देखने को मिल जाता है इस टाइप का, ये देखिए। और ग्रैब हैंडल्स भी दोनों में है, आई थिंक सेम टाइप के ही देखने को मिलते हैं ग्रैब हैंडल सिल्वर कलर से, देख लो बंद कर देता हूँ। और हाँ, अपने यूटिलिटी वगैरह भी लगा सकते हो, मतलब चाबी वगैरह जो भी मिलती है वो यहाँ लगा सकते हो, ये देखो ये टूल्स जैसे बोलते हैं वो यहाँ पर भी लगा सकते हो, ये देखो ये है जाता है, है ना। और एक चीज़ बताऊँ, दोनों ही गाड़ियों में जो मफलर है, साइलेंसर जो है वो सेम ही देखने को मिलता है, ये इस टाइप का, है ना, ये देखो
और कई देख लो, इंजन परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो जो 110 सीसी है वो एक्चुअल में 109.5 सीसी का इंजन है इसका, ये देख लो है ना। और दोनों ही गाड़ियां किक से स्टार्ट होंगी, ये देखो। पर इनका जो एच वेरिएंट है, एच स्मार्ट वाला, उन्होंने इसमें किक हटा दी है और इसकी वाली एक्टिवा 110 की जो पावर है वो 7.73 पीएस की पावर है, जो टॉर्क है वो 8.90 का टॉर्क है। और एक्टिवा 125 का जो रियल, वैसे तो 125 लिखा हुआ है, जो रियल इंजन कैपेसिटी है वो 124 सीसी की है और जो पावर है वो 8.19 पीएस की पावर और 10.4 एनएम का टॉर्क देखने को मिलता है इस वाले इंजन में। ये देख लो दमदार है पावर। और सस्पेंशन देख लो, 3 टाइम एडजस्टेबल है, ये देखो स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टाइप है, ये देखो। और खासियत और बताऊँ इस स्कूटर की, साइलेंटली स्टार्ट होता है, ये भी 3 टाइम एडजस्टेबल है, मतलब सस्पेंशन तो सेम है यार, बिल्कुल देखने को लग रहा है, ये देखो। और एक अब बात कर लेते हैं ना दोनों गाड़ियों की सीट के बारे में। दोस्तों सीट दोनों ही गाड़ियों की देखो लंबी भी है, देखो है ना भी, और चौड़ी भी काफ़ी है। फैमिली के हिसाब से तो बहुत ही परफेक्ट स्कूटर है ये। और दोस्तों इसका जो फुट रेस्ट है इस टाइप का है, ये देखो पैर से ही नहीं खुलता, बस हाथ से खोलना पड़ेगा, ये देखो। इसमें एल्युमिनियम टाइप का है देखो इसका फुट रेस्ट, और इसका रबर में दे रखा है, ये भी आपका हाथ से खोलना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मतलब होंडा को यही चीज़ करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ ना बड़ा सा चौड़ा सा लगा दें ताकि वो पैर जब लगे फट से खुल जाए, ये देखो। और देखो भैया सबसे बड़ा चेंज, इसके अंदर जो यहाँ पर आपका पैर रखने जाए, यहाँ पर आपका ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है एक्टिवा 125 सीसी, पर एक्टिवा 110 में कोई भी ग्लव बॉक्स देखने को नहीं मिलेगा। और पैर रखने की जगह काफ़ी स्पेसियस देखने को मिल जाती है, देखो दोनों ही गाड़ियों में सेम है पैर रखने की जगह। और गैस का सिलेंडर तो इसमें आराम से आ जाना है, ये हुक 1 2 3 4 मतलब दोनों ही गाड़ी में दो दो हुक यहाँ पर देखने को मिलते हैं, सामान वगैरह यहाँ पर आप लटका सकते हो। ये देखो साइड से प्रीव्यू कुछ गाड़ियों का इस टाइप से है। और दोनों ही गाड़ियों का जो ब्रेक से ड्रम ब्रेक यूज हुए हैं, और दोनों ही गाड़ियों में 130 mm के ड्रम ब्रेक देखने को मिलते हैं आगे और पीछे के। अब इसके जो टॉप वेरिएंट है, देखो इसमें टॉप वेरिएंट में आपको कोई भी डिस्क ब्रेक देखने को नहीं मिलता, पर इसमें देखने को मिलता है उसका जो साइज होगा डिस्क ब्रेक का, टॉप वेरिएंट का बता रहा हूँ, 190 mm का होगा, इस जगह पर ही लगा होगा, देखो यहाँ पर लगेगा। और दोनों ही गाड़ियों में ये देखो ये देखने को मिलता है स्टील मेटल व्हील, एलॉय व्हील देखने को नहीं मिलता, पर इनके टॉप वेरियंट में इसमें भी एलॉय व्हील देखने को मिलेगा आपको, और इसमें भी जो एच स्मार्ट आ रहा है ना इसके अंदर, और एच स्मार्ट है और इसका स्पेशल एडिशन भी निकाला था अभी होंडा वालों ने अभी पिछले आई थिंक अक्टूबर नवंबर में, तो उसमें भी अलॉय व्हील दे दिया था ब्लैक कलर का, तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसमें तो खैर इसका जैसे ही टॉप वेरिएंट ऊपर जाओगे तो अलॉय व्हील देखने को मिलता है इस गाड़ी के अंदर। यह है एक्टिवा 125 सीसी, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है 162 mm का है, ये देख लो। और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है इसका भी 162 mm का देखने को मिलता है, यानी ग्राउंड क्लियरेंस में आपको कोई भी मतलब चेंज देखने को मिलता, सेम ही ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी का देखने को मिलता है। अब बात आ जाती है भैया माइलेज की, देखो दोनों ही गाड़ियों की जो टैंक कैपेसिटी है सेम है, 5.3 लीटर तेल पड़ेगा। अब ये देख लो, मैं तुम्हें बार बार बताता हूँ कि ये इकोनॉमिक कंडीशन होती है 40 से 50 के बीच में। अगर आप बेहतर कंडीशन में गाड़ी चलाओगे तो ये तो भैया आराम से 50 तक का माइलेज निकाल देगी, और ये बेहतर कंडीशन में आपको 40 तक का माइलेज तो आराम से निकाल के देगी, 125 ये 40 तक का जो जेन्युइन है वो बता रहा हूँ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली। और ये है 110 सीसी 50 तक का, ये देख लो। और इसका जो कर्व वेट है इस वाली गाड़ी का, इसका हो जाता है आपका कर्व वेट 106 किलो का, और इसका हो जाता है कर्व वेट 109 किलो का। तो देख लो ये गाड़ी है। अब मैं बात करूँ किन लोगों को ये गाड़ी लेनी चाहिए, मतलब कौन सी गाड़ी किन लोगों को लेनी चाहिए। देखो एवरेज के मामले में अगर लेना है आपको तो आप एक्टिवा 110 सीसी में आराम से जा सकते हो, जिनको एवरेज की चिंता नहीं है पावर चाहिए वो इसमें जा सकते हो, और जिनकी हाइट कम है, जो कम हाइट के लोग होते हैं सर्च करते हैं यार कौन सी गाड़ी बेहतर होगी, तो उनके लिए ये गाड़ी बेहतर हो सकती है। कलर ऑप्शन बेस वेरिएंट में सिर्फ वाइट कलर आता है, इसमें भी काफ़ी 3-4-5 कलर देखने को मिलते हैं एक्टिवा 110 सीसी में, और इसमें भी काफ़ी कलर देखने को मिल जाते हैं, 5 कलर देखने को और मिल जाते हैं टॉप वेरिएंट में। तो बस ये जानकारी थी इस दोनों गाड़ियों के बारे में। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना वीडियो, और चैनल पर नए तो चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार, बाय बाय।